हाय गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं फिर एक और पिकअप आर्टिकल लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आपके सामने दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। आपने करना क्या है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है, अपने रब को याद करना है और इन दोनों पॉइंट्स में से, इन दोनों रिंग्स में से कोई एक रिंग सेलेक्ट कर लेनी है, उसी में ही आपका आंसर होगा। गाइज़, अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो। दूसरी बात यह है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं बस और चले जाते हैं, तो आपसे है कि आप लोगों को मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तब हम रीडिंग करते हैं रेड रिंग से शुरू। हाय रेड रिंग, रेड रिंग वाले लोग जिन्होंने रेड रिंग चूज़ की है, चलिए हम उनके कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करते हैं। प्लीज रेड रिंग जिन्होंने चूज़ किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ पांच कार्ड दीजिए, फिर हम तो क्लैरिफाई करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर प्लीज़ उन्होंने रेड रिंग चूज़ की है उनके पार्टनर उनके बारे में, ये पहले आया है, इसको रख लेते हैं, इन दोनों को उठा लेते हैं। शायद आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है गाइस, आपके पार्टनर आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। रेड रिंग जिन्होंने चूज़ की है फॉर यस, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। प्लीज़ दो कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और, एक तो आ गया है, एक कार्ड और दीजिए, फिर हम क्लेरिफाई करेंगे आपके रीडिंग को। बहुत कुछ कहना चाहते हैं गाइस, इतने ज़्यादा कार्ड निकल निकल के गिर रहे हैं, अब मैं आपसे क्या बोलूँ। आपके सामने ही कार्ड शफल किए मैंने, जस्टिस इधर रख देती हूँ ये रिंग ताकि आप लोगों को नज़र आती। देखिए ये पाइल आपकी है, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, छह कार्ड मिले मुझे आपके लिए, द टावर, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स। तो गाइज आपके पार्टनर हो सकता है लिब्रा हो, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर पास स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो का कार्ड है ये भी, और कोई जो है फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। गाइस हो सकता है आपके पार्टनर वेल सेटल हो, इनकी जॉब अच्छी हो, गवर्नमेंट जॉब से हो, इनका किसी लॉ से ताल्लुक हो, इनका आपके पार्टनर वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आपके पार्टनर आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। गाइस आपके पार्टनर जो है रिश्ते में काम करना चाहते हैं, अगर वो पहले, अगर देखिए पास्ट में हो सकता है आपके और उनके बीच में कोई ऐसी बातें थी जो छुपी हुई थी आप लोगों के बीच में, हो सकता है मदर मदर इशू भी हो, फैमिली इशू भी हो सकता है। आपके पार्टनर ने खुल के अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं किया, इमोशंस तो हैं आपके पार्टनर में लेकिन बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, और हो सकता है आपका इनसे ब्रेकअप भी हो गया हो अचानक। कुछ ऐसी खबर सुनी है आपने इनके बारे में कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाई और आप इनसे मूव ऑन होने की आपने सोचा कि ये भाई मेरी लाइफ से तो सिर्फ टेंशंस ही हैं इनके, मेरे साथ ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये सीरियस नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप में। आपने इनसे कुछ ऐसा आपको पता चला जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और शॉकिंग था वो आपके लिए, आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दी, कुछ इल्यूजन था इनके पास। ये देखते हैं गाइस कि आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। देखिए ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग भी करते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। अगर कोई फर्स्ट चीज़ इनके दिमाग में आती है साथ रात को सोते वक्त तो वो आप है, और जब उठते हैं तो वो चीज़ जो आती है फर्स्ट चीज़ इनके दिमाग में वो भी आप हैं। गाइस ये समझते हैं कि आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही हो। गाइस ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनकी फीलिंग ये है कि आपके पास आए आपको जस्टिस दें। ये गाइस अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपसे मिलना भी चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई टावर मूवमेंट आया था, कोई ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ गाइस मुझे परमानेंटली लग रहा है कि आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं।
ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके पास इस रिश्ते में वर्क भी करना चाहते हैं। हो सकता है पहले इनके पास्ट में इतने अच्छे हालात ना हों, लेकिन अब ये हार्ड वर्कर भी हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर किसी किसी के लिए गए, अगर हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, तो वो अगर थर्ड पार्टी भी रिलेशनशिप में था तो शायद वहाँ पे लीगल मैटर चल रहा है उनका, वहाँ से डिवोर्स लेने वाले हैं वो। फिर भी हम क्लेरिफाई करेंगे जस्टिस को, कुछ कार्ड को हम क्लेरिफाई करेंगे। माय जस्टिस हेयर, अभी मैंने शुरू नहीं किया और कार्ड भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं गाइस, मिलना चाहते हैं आपसे, कहना चाहते हैं बहुत कुछ। माय हेयर जस्टिस हेयर, माय जस्टिस, जस्टिस यहाँ पे क्यों आया, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे, एक कार्ड दीजिए। दो कार्ड निकल के आए, क्या आए हैं देखते हैं। ये क्लेरिफाई हुआ है गाइस जस्टिस। अब हम क्लेरिफाई करेंगे, फिर मैं आपको रीडिंग बताऊंगी पूरी के क्या हो रहा है आप लोगों के बीच में। हेट ऑफ पेंटिकल्स, वाई हेट ऑफ पेंटिकल्स हियर, वाई हेट ऑफ पेंटिकल्स हियर। गाइस जैसे मैंने कहा, आपके पार्टनर आपको दो दो कार्ड से क्लेरिफाई हो रहे हैं। अब मैं एक ही कार्ड लूँगी, वाई मून हियर। यहाँ पे मून क्यों आया है, यहाँ पे मून क्यों आया है, मून आने की रीजन भी दिख गया है। वाइट आवर हेयर, वाइट आवर हेयर, ठीक है। इसमें कार्ड क्लेरिफाई कर लिए हैं गाइस, जस्टिस को क्लेरिफाई किया है हमें। द सन और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गाइस हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपने पास्ट में कोल्ड शोल्डर दिखाए, जो आपने इनसे बात नहीं किया करी, कुछ क्लैरिटी लेके नहीं आ रहे थे आपके लाइफ में, आपने इनसे बात नहीं करी, आपने इन्हें कोल्ड शोल्डर दिखाए, आपने इनको लाइफ से कट ऑफ कर दिया, फिर आपने इनको निकाल के फेंक दिया। गाइज अभी आपके साथ अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे हैं, ये आपको अब जस्टिस देना चाह रहे हैं। गाइज ये आपसे उतनी ही प्यार करते हैं जितना आप इनसे प्यार करती हैं, ये आपके साथ, ये आपको विन करना चाहते हैं, ये विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको विन करना चाहते हैं, विन करके आपको दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, सिस्टम में वर्क करना चाहते हैं। गाइज हो सकता है पास्ट में आपके, देखें किसी किसी के लिए मैंने कहा कि हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हों, यहाँ पर दो क्वींस और आई हैं। अगर वो शादीशुदा भी थे तो वहाँ से वो डिवोर्स लेके आपके पास आने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, और अगर किसी और रिलेशनशिप में थे, इनके घर वालों ने कहीं और इनकी एंगेजमेंट कर दी थी या मंगनी कर दी थी, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं। देखें गाइस टावर किससे क्लेरिफाई हुआ है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको दूर किया जाए, और ये आपके साथ अब रहना चाहते हैं। गाइस इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस निकालूंगी मैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू मी, माई हार्ट ओपन अगेन। जैसे मैंने कहा कोई पास्ट इशू हो सकता है इनके साथ, इनके लिए मुश्किल तो है, पर ये चाहते हैं आपको ही अपने लाइफ में, आप सारी खुशियाँ आपकी तरफ से तलाश करते हैं। मुझे आखिरी मौका दोगे, ये जनाब आपसे आखिरी मौका लेना चाहते हैं, काश सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब कुछ ठीक करके आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। ये इतने बेचैन हो गए हैं कि दिस सिचुएशन आउट ऑफ माई कंट्रोल, इनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है सारी सिचुएशन। डोंट हेट मी विद वाट आई डिड, इन्होंने कहा अगर पास्ट में, जैसे मैंने कहा आपको छोड़ के चले गए थे, तो ये कह रहे हैं आप मुझसे हेट नहीं करो जो मैंने आपके साथ किया। वी विल बी टूगेदर, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हूँ। गाइज ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ये आपको से शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये अपनी फैमिली देखते हैं। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो सकता है आपके पार्टनर पब्लिक फिगर हो, ये किसी यूट्यूबर हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर टू, जिन्होंने ब्यूटीफुल सी ग्रीन रिंग चूज़ की है, चलिए उनकी रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके सामने कार्ड शफल करूंगी। गाइस देखें ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है,
और अगर नहीं करती तो पूरी तरह से इसको इग्नोर करिएगा, और अगर करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अभी। प्लीज़ 5 कार्ड दीजिएगा, पहले 5 कार्ड से मैं निकालूंगी फिर उसको क्लैरिफाई करूंगी मैं 5 कार्ड से। प्लीज़ जिन्होंने पायल नंबर ग्रीन रिंग चूज़ की है उनके बारे में बताएं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करते हैं, तो कार्ड्स मुझे और दीजिएगा, 2 कार्ड और दीजिएगा मुझे, क्या फील करते हैं उनके पार्टनर। गाइस आपके लिए भी 6 ही निकल के आए हैं और मैंने सामने ही शफल किया है, उनके साथ आए हैं गाइस, मैं इतने कार्ड नहीं ले सकती, दोबारा शफल करूँगी। 2 कार्ड और दीजिएगा, फॉर वंस तो रख दो ताकि आपको क्लियर नजर आए। हाय प्रेस्टस, मैं यहाँ पे जोडिक साइन बता देती हूँ, जोडिक साइन इतना मैटर नहीं करते गाइस जितना आपके साथ जो है रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। आपके पार्टनर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, और आपके पार्टनर जो हैं गाइस यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस है, यहाँ पे सारे ही साइन हैं, नहीं एरिस है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई है और फायर साइन है गाइज़ आपके, और एक मेजर अरकाना भी है आपके पास गाइज। आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है आपके उनके बीच में पेनफुल एंडिंग हुई हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में देख रहे हैं, आपके पार्टनर इतने ज़्यादा पेन में हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस पेन को किस तरह से ख़त्म करें गाइज। आपके पार्टनर आपको इस तरह से खूबसूरत देखते हैं कि आप अपने आगे किसी की नहीं चलने देने वाली, आप अपने आप पर फोकस करके बैठी हुई हैं, आप एकदम अड़ी हुई हैं अपनी बात पे जो आपने उनसे कही है। आपके पार्टनर ने अगर आपको पास्ट में धोखा दिया है, धोखे की भी सिचुएशन है गाइस, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो नज़र आ रहा है मुझे, वो इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं गाइस, वो आपके उनके बीच में जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनसे वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके उनके बीच में जो चीज़ें हैं वो सब हल हो जाएँ, वो आपसे गाइस शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना रियूनियन चाहते हैं, वो हैप्पी होम लाइफ चाहते हैं आपके साथ, वो आपको इस तरह से खूबसूरत देखते हैं। अगर आपके उनके बीच में कोई चीज़ें छुपी हुई हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, मज़हबी हों, अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा मानते हों, या आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, और किसी किसी के लिए सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है ये जो आप लोग हों। आपके पार्टनर आपके पास क्लैरिटी लेके तो आना चाहते हैं लेकिन अभी वो बहुत तकलीफ़ में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हील होकर आपके पास आए और वो आपको इस तरह से खुशियां देखें आपके साथ। तो ये क्लैरिफाई करते हैं फिर आपको पूरी डिटेल बताते हैं। वाइट एंड ऑफ सोर्स हियर, वाइट एंड ऑफ सोर्स हियर, सन, वाइस सेवन ऑफ सोर्ड्स हियर, वाइस सेवन ऑफ सोर्ड्स हियर, टेन ऑफ कप्स गाइस, और क्या बोलूँ मैं आपको, वाई हाई प्रिस्टेस हियर, वाई हाई प्रिस्टेस हियर, मून, वाई क्वीन ऑफ वांड्स, वाई क्वीन ऑफ वांड्स हियर गाइस। यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशंस नज़र आई हैं, मैं दोनों ही बात बताऊँगी, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है, मुझे लग रहा था ये आएगा और आ गया ये निकल के, जो एनर्जी आई थी ना यहाँ पे ईगो और प्राइड की, तो मैं इसको यहीं रखूँगी गाइस। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हों किसी और के साथ पास्ट में, किसी किसी के लिए जो जानते हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए मैं बोल रही हूँ गाइज़। आपके पार्टनर सिचुएशन से हील होकर आपके पास आना चाहते हैं, उनकी खुशियां आपके दम से हैं, वो आपको इस तरह से अपने लिए खुशियों से भरा हुआ देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं,
आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे चार्मिंग पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की हो सकता है जॉब अच्छी हो। गाइज आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, एक एक लम्हे की नज़र है रखते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ जा रही हैं, किससे मिलनी हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, एक एक चीज़ सिंगल वर्ड भी आपके जो है ना आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे 24 घंटे आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इन्होंने फेक आईडी बनाई हुई है आपको वॉच करने के लिए। गाइज आपके पार्टनर जो हैं, अगर किसी के लिए जो मैरिड हैं ईगो प्राइड में से निकल के वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, गाइज दोनों की पायस अच्छी आई है, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा हो जाए, आप लोग खुश रहें हमेशा। देखिए उन्होंने जो आपके साथ पास्ट में किया, आपको धोखा दिया गया, वो बहुत ज़्यादा सैड है। हो सकता है आपके पार्टनर टॉल हो, लंबे हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी हो, मतलब जैसे कि दुबई जहाँ तेरा। और गाइज देखें बहुत उदास हैं आपके बगैर पार्टनर, आपका दिल नहीं लग रहा है उनका, वो बस चले आपके पास उड़ के आ जाए, दो दो कार्ड शादी के आ गए। गाइज ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें गाइज आपकी रीडिंग में और क्या चाहिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दो दो तीन तीन कार्ड शादी के आए हैं गाइज, आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर कोई मदर इशू था तो वो अपनी मदर को मना के सारे मसले हल करके आपके पास आना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक एक इस बंदे ने आपका सोशल मीडिया खंगाला हुआ है पूरा, मतलब एक एक चीज़ पे ये शख्स नज़र रखता है, आपके बारे में जानता है, ये देख तो नहीं रहा कि आप किसी के साथ और तो इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप पकड़ी गई ना किसी से बात करती हुई, इन्होंने देख लिया कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई, आपकी तो बच्चों खैर नहीं है, ये आपको नहीं छोड़ने वाले। ये इतने ऑब्सेस हैं आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये सारे मसले हल करके आपके पास आना चाहते हैं। और ये इस सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे, ये देखें ये दो सिचुएशन। सॉरी गाइस गिर गया। ये इस सिचुएशन से निकल के आएंगे, ये इस सिचुएशन से निकल के आएंगे, फिर जो है आपको ये कमिटमेंट भी देंगे। आप हम की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। फैमिली इशू जाए गाइस, जैसे मैंने बोला कि फैमिली इशू हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो हो सकता है किसी किसी के लिए जो मैरिड थे फिर भी ये उनको छोड़ के आपको चूज़ करेंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, जैसे मैंने कहा ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। इस बंदे ने बिल्कुल इस तरह से हुए में ये जनाब के पागल हुए बैठे हैं आपके लिए। तो देख लो फैमिली इशू, आई नीड सम टाइम, जैसे मैंने कहा ये इससे हील होके आपके पास वापस आएंगे। एक कार्ड और निकाल लूंगी मैं आपके लिए, वी विल बी टुगेदर। गाइज ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। गाइज अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय।